उसमें ये है कि मतलब पहले कर कोई 10 साल 15 साल नहीं एड़ा हो एक ही जगह जेती देती ना बुते बुते थाते तो क्वाड लगी दे वैसे कर के पहले यहाँ से या पहले यहाँ से नीचे उधर दशहरन में भी देखो ना तो पहले यहाँ से गई मेरी दादी थी दूसरी बुआ थी एक और बुआ थी चार चार लड़कियां थी फिर इधर को आने लगे तो ये दो उधर तीसरी ये इधर है ना और एक उधर चार चार हो को तिलक करना अंगूठे से करना चाहिए और तर्जनी उंगली किस लिए दी है यदि आपने पितरों के लिए दंड अर्पित करना तो पितरों का टीका इस उंगली से लगता है और जो मध्यमा दी किस लिए यदि आपने अपने स्वयं के लिए तिलक करना है तो इस मध्यमा से अपने लिए तिलक करना चाहिए और यदि आप कोई जो बालक हो पढ़ने वाले जैसे पुस्तक के ऊपर उंगली रखते हैं यदि मध्यमा उंगली को रखेंगे तो उसका जो बुद्धि होगी प्रखर होगी उसे स्मरण शक्ति बढ़ेगी क्योंकि अपने लिए कर रहा है यदि इससे करेगा तो क्या होगा वह स्मरण शक्ति नहीं रहेगी इसलिए बालक को समझाइए यदि उंगली लगाकर पुस्तक में पढ़ रहा है तो क्या करे मध्यमा उंगली से ही आगे देखता रहे अपने लिए तिलक के लिए और जो अनामिका है ये किस लिए है ये देवताओं के पूजन के लिए या आपने ब्राह्मणों का पूजन करना आप उन्हें देव स्वरूप मानने हैं इस उंगली से पूजन करना चाहिए ये छोटी उंगली किस लिए है इसके दो कार्य है क्यों है दो कार्य सबसे छोटी है कितने होने चाहिए थे एक के दो आप जान जो बोल रहे हैं बोलिए भक्त वत्सल भगवान की इसके बंधुओं सबसे छोटी इसके दो कार्य क्या है दो कार्य एक तो जैसे घर में छोटा बच्चा होता है क्या होता है वो घर की शोभा हुआ करता है इसलिए हमारे हाथ में अगर ये उंगली ना होगी जिसके अंग में हीनता हो एक अंग बड़ा हो या एक अंग कम हो वह ब्राह्मण पूजन योग्य नहीं होता वो दान लेने का अधिकारी नहीं है वो सत्कर्म करने का अधिकारी नहीं है अंग में ना वृद्धि होनी चाहिए ना न्यूनता होनी चाहिए ब्राह्मण और वे ऋषि के लिए इससे तीर्थ लगता है आप जब यहां पे सुबह तर्पण करते हैं आपके पुरोहित जी आप समित कराते हैं विधि से जब ऋषि का तर्पण करते हैं किस तरफ करते हैं यह ऋषि तीर्थ यह देव तीर्थ यह पितृतीर्थ यदि आपने ऋषियों के लिए तिलक करना है तो इस उंगली से करना बोलिए भक्त वत्सल भगवान की बड़ा तो परिवार में किसी माता के आठवें महीने में बालक हो तो क्या कहते हैं उससे क्या करने वाला है ये शुभ मानते हैं कि अशुभ मानते हैं क्या मानते हैं जोर से बोल दिया करो मुझे तो शुभ उसे शुभ नहीं मानते मैया ऐसा होता है जो आठवें महीने में बालक जन्म लेता है वो मामा के लिए खराब दांत भी निकलते हैं क्या करते हैं मामे को बुलाओ शांति करनी है इसलिए अष्टम मास में जो बालक पैदा होता है मातुल पक्ष के लिए खराब होता है और जो आठवें महीने में बालक जन्म लेने वाला है कंस क्या लगता है उनका ये तो याद है आपको ही मामा मैंने सोचा अम्मा ना बोल दे गई बोलिए भक्त वत्सल भगवान की क्या हुआ कि आठवा आने वाला है आज जो है भगवान ने सोचा कि मैया देवकी ने बड़ी तपस्या की आज मैं उनके गर्भ से अवतरित होकर आऊंगा
मैया यशोदा ने भाव से पूजा है, इसलिए मैं उनका दुग्ध पान करूं। लेकिन जो तीसरी मैया, उसको क्या मिला? कौन है तीसरी? रोहिणी। मैं जन्म तब लूंगा जिस समय रोहिणी नक्षत्र। अभी कितने दिन पूर्व हुई जन्माष्टमी? थोड़ा ही समय हुआ है। इस बार बंधुओं बिल्कुल पूर्ण योग ऐसा ही बना हुआ था। जब भगवान का प्रकट्य हुआ उसके बाद इस बार ही ऐसा योग बना। निवेदनम पिताजी, मैंने तो यह सुना है कि प्रभु को प्राप्त करने के लिए 9 मार्ग है, श्रवणम कि भगवान की कथा तो सुने, कीर्तनम जिसकी कथा सुने उसका कीर्तन करें, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम और कीर्तन करते करते उस प्रभु का स्मरण करें, पाद सेवनम उनके चरणों का सेवन करें, वंदन करें, पाद का प्रक्षालन करें, कारों का अर्चनम फिर उनका अर्चन करें, अर्चन करने के बाद उन्हें तिलकादि से वंदन करें। लो आज ही ले लो।